आयुष्मान भव। गुरुजी, इस हवन के बाद मेरा काम हो जाएगा ना? पंचभूत से नवग्रह को तो शांत कर ही दिया। 15 साल से जो मैंने कहा वही हुआ ना? आज तुम इतने बड़े आदमी कैसे बने हो, जरा उसको याद करो। आपको तो पता है ना गुरुजी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए थिएटर में वॉचमैन था। किसी ने मुझे लड़की नहीं दी तो गुस्से में ट्रेन के बाथरूम में छुपकर गांव से शहर में आ गया। यहाँ पर आकर सोचने लगा कि मैं यहाँ पर करूँ क्या। फिर मुझे लगा कि रियल एस्टेट का ब्रोकर बन जाता हूँ। उसके बाद सिलसिला चल निकला, ये तो आपको पता ही है ना। वैसे आज तक कितने बना लिए? सेंचुरी में 20 कम 80 तक। करोड़ों? हाँ जी। अंगूठा छाप होकर तुमने इतना कमा लिया। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स 10-20 में ही पड़े रहते हैं। उम्मीद रखना अच्छी बात है, पर सिर्फ उससे ही कुछ नहीं होता। वही, शहर के पास की 10 एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाया था। मंगलवार के दिन अमावस्या को रजिस्ट्रेशन करवाया है। उसके बाद आपने मुझे डांटा तो था। वो जगह बेटे ने बाप से पूछे बिना मुझे बेची। अब उसका केस कोर्ट में है। मुझे नहीं लगता वो केस जीतने वाला है। उसमें 300 फ्लैट्स है जिसमें से आधे बिक चुके हैं। बचे हुए फ्लैट्स के खरीदार मुझे नहीं मिल रहे गुरुजी। हवन करवाओगे तो सब सही हो जाएगा। जितने भी ग्रह है ना, सब कंट्रोल में आ जाएंगे। बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी में एक महापुरुष आने वाला है, वो तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। ऐसा क्या गुरुजी? कब आएगा, कैसे आएगा, मैं कैसे पहचानूंगा उसको? सूर्य की किरणों के साथ ही सुबह सुबह पैदा होगा और ध्यान मुद्रा में बैठे विष्णु भगवान की तरह दिखाई देगा। तुम आँखें खोलो उससे पहले ही वो तुम्हारी अज्ञान की आँखें खोलकर तुम्हारा शुभ करेगा। वो महापुरुष कहाँ होगा? अबे नहीं यार, अबे फट तो आंखें। अंदर जाएंगे, मूर्ति उठाएंगे, 2 करोड़ अपने हो जाएंगे। अबे भगवान की मूर्ति है, चोरी मत कर, हाथ जोड़ता। भगवान बोलता है ना कि मेहनत करके उठाओ। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग मेहनत करेंगे ना, अंदर जाके उठाएंगे, मेहनत करेंगे और क्या। नहीं नहीं, मुझे नहीं करना है। तो ठीक है, तुम दोनों फट्टू यहीं रुको, मैं अकेले जाता हूँ। हम नहीं जाएंगे, तू जाके चोरी करके आ जा। क्या हो गया इसे, पागल हो गया ये? सूर्य की किरणों के साथ ही सुबह सुबह पैदा होगा
और ध्यान मुद्रा में बैठे विष्णु भगवान की तरह दिखाई देगा। हेलो भैया, खुशखबरी है, वो बुड्ढा रात को मर गया है, सारी जमीन अपनी हो गई है। तुम आंखें खोलो उससे पहले ही वो तुम्हारी अज्ञान की आंखें खोलकर तुम्हारा शुभ करेगा। गुरुजी, क्या कर रहे हो? अरे मैं कहाँ हूँ? ये प्रश्न स्वयं से करना चाहिए। तुम कहाँ हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही शब्द में दे दिया है स्वामी जी ने। जय हो कृष्णानंद स्वामी की, जय हो कृष्णानंद स्वामी की। आप लोग मुझे क्या समझ रहे हो? हम क्या समझेंगे, इस प्रश्न का उत्तर तो बड़े बड़े ज्ञानी नहीं दे पाए, मात्र भगवत गीता में ही इस प्रश्न का उत्तर है, वही स्वामी जी ने भी बताया। जय हो कृष्णानंद स्वामी की, जय हो कृष्णानंद स्वामी की। आ गए क्या आप मेरे लिए आए हैं स्वामी? अब ये क्या स्वामी, इस गरीब के ऊपर आपकी कोई भी दया दृष्टि नहीं है। 20 साल से मुझे शुगर बीपी सब हो गया है, पर आपके दर्शन नहीं हुए स्वामी, लेकिन आज आपने मुझे दर्शन दे ही दिए स्वामी। मेरा जीवन धन्य हो गया, कितने दिनों के बाद मेरी पूजा सफल हो गई, मेरी इच्छा पूरी हो गई स्वामी, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया स्वामी। जय कृष्णानंद स्वामी जी। भक्तों की सेवा के लिए कृष्णानंद स्वामी आ गए हैं। बाबा जी की जय हो। बाबा जी का बाबा जी की जय। ये देखो देखो, नमस्कार जी का। हां जी, ये लीजिए। चलो आगे बढ़ो। कृष्णानंद स्वामी की जय। कृष्णानंद स्वामी जय। हटाओ हटाओ ली। बाबा जी खोगे तो हो जाएगा, समझे नहीं? नहीं समझे, समझे क्या करते हो? अभी भी नहीं समझा, अभी समझा? हाँ हाँ, समझ गया। स्वामी की ये लीजिए, बाबा जी की फोटो लीजिए, आपका कल्याण होगा। धन्यवाद। ये देखिए विकी ले रहा है। जय कृष्णानंद स्वामी जी। कृष्णानंद स्वामी की। कृष्णानंद स्वामी की। प्रणाम सुनिए। इसे क्या चाहिए? हेलो, तुम्हारे साथ शादी करके मैंने अपना ही गला काट दिया। उस राजनीति के चक्कर में मैंने जो दहेज में पैसे लाए थे वो भी खत्म हो गए। ऊपर से एमएलए बनने के चक्कर में 10 साल से पार्टीज में घूम लिया। तुम तो कॉर्पोरेटर भी नहीं बन पाए, छे तुम्हारे जीने पर। अरे मैं क्या करूं, इलेक्शन कैंपेन करके तो अभी अभी आया हूं। फोन क्यों किया, घर आ रही हो क्या? क्यों आओ घर पे, ये भी कोई जीना है? बेटे का बर्थडे तो याद नहीं रहता, ऊपर से कैंपेन लड़ने चले गए। कैसे याद रहेगा, 6 महीने में एक बार आती हो, गालियां देकर चली जाती हो। क्या करूं, तुम हमेशा करतूते तो ऐसे ही करते हो, उधार लेके देश की सेवा करो। हाँ। नमस्ते सर, टोटल अमाउंट 14,600 हुआ और 6 महीने से लाइट का बिल किसी ने भी भरा नहीं है सर, मीटर निकाल रहे थे, बड़ी मुश्किल से रोका। भर देंगे भाई। हाँ। वैसे आसपास इतने लोग क्यों खड़े हैं, ये भीड़ क्यों है यहाँ? जब आप शहर में नहीं थे तो अपने अपार्टमेंट के ऊपर। यहाँ स्वामी जी सिर्फ आपके पापों को मिटाएंगे, पुण्य तो आपको स्वयं ही कमाना होगा। आओ बेटा। ये सब क्या है? हुँ।
बेटा हमारे स्वामी गंगा नदी की भांति हैं, यहाँ सिर्फ पाप जमा होते हैं, ले नहीं जा सकते। सुनो जल्दी से मेरा एक काम करो। बार बार हमने मना किया लेकिन नहीं माना, अब देखो खुद ही गायब हो गया है। ए! अबे ये सब क्या है? बाबा कमाल है, ये और बाबा। चलो आगे बढ़ो। अभी तक तो ठीक था भाई, अब चार दिन से इसकी तबीयत खराब है, बहुत गंभीर बीमारी है, इसलिए बाबा के पास आए हैं। इसे क्या हुआ है बेटा? बाबा जी बचपन से ही ऐसा है, कुछ चमत्कार कर दीजिए। अच्छा सारे पाप धुल जाएंगे, अभी ठीक करता हूँ। शांत हो जा, शांत हो जाना बे। अरे मैं ठीक हो गया भैया, चमत्कार हो गया। इतनी जल्दी ठीक होने के लिए किसने कहा था? तभी तो बाबा का चमत्कार पता चलेगा। स्वामी जी की कृपा से ये ठीक हो गया, अब यहीं रहकर स्वामी जी की सेवा करो। स्वामी की जय हो। नमस्ते। खुश रहो। हे मुझे पता नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ, फोटोज में जो ये सारे आदमी हैं वो वांटेड हैं क्या? अरे पता नहीं, फॉरेन वाले बाबा होंगे। गोरे बाबा काले काम। ओ नीचे लोअर जी हैं क्या? नहीं नीचे तो दरवाजे में ताला लगा है। ताला लगा है, कहाँ गया होगा? क्या है ये, 1.5 साल पहले कहा था कि टिकट दिलवाऊंगा, 5 करोड़ रुपए लिए थे, अब उसमें से सिर्फ 2 करोड़ लौटा रहे हो, बाकी के कौन लौटाएगा? बाकी के क्या करोगे, बाकी के पैसे तो पार्टी फंड में चले गए। अगले इलेक्शन में तुम्हें टिकट दिलाने के लिए पैसे चाहिए ना, मैं मिनिस्टर हूँ भाई, मुझ पर भरोसा करो ना। आप पर भरोसा किया तभी तो ये हाल है मेरा। रवि इस चिरगुड़ को कहां से ले आया? राजनीति को शेयर मार्केट समझ रहे हैं क्या? मुनाफा कमाने के लिए पहले पैसा लगाना पड़ता है फिर मुनाफा आता है। अरे रवि से समझाना भाई। सुंदर जरा गौर से सुनना, बचपन से ही मैंने 5-स्टार होटल का सपना देखा है और ये ठहरे मिनिस्टर काफी नाम कमा चुके हैं, तो हमें अच्छी जमीन कहीं भी मिल सकती है और होटल बना सकते हैं, ये हमारा बिजनेस होगा। मुनाफा ही मुनाफा। बिजनेस वो भी आप लोगों के साथ, MLA के टिकट दिलवाने के नाम पर 25 लाख लेने वाले ब्रोकर के साथ और 5 करोड़ लेकर कहानियां सुनाने वाले लोफर के साथ व्यापार करूं, ये नौबत अभी तक नहीं आई मेरी। 5 करोड़ लगा चुका हूं, जरूरत पड़ी तो 5 करोड़ और लगा कर आप लोगों को सड़क पर ले आऊंगा, पैसे तो कल और कमा लूंगा, अमेरिका जाके अरबपति बन सकता। मुझे दलाल बोलता है? मैं दलाल हूँ? लगता है मर गया। ए, बचपन से अपने बाप की भी नहीं सुनता हूँ, कोर्ट में तो मैं सिर्फ बोलता हूँ लेकिन बाहर करता हूँ। मेरे बाप ने इसे तो पैसे की अहमियत तब भी नहीं पता थी जब ये अमेरिका गया हुआ था। अरे ये क्या कर दिया रवि? दिखाई नहीं देता, दल्ले को मार डाला, अब 3 करोड़ तेरे और 2 मेरे। ये गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है इसीलिए तो मारा। अगर तू नहीं बदला तो मेरी सीट चली जाएगी। सर वो क्रिमिनल लॉयर नहीं है, क्रिमिनल है, उसका बाप भी एक क्रिमिनल था। मैंने तुमसे एक छोटा सा काम कहा था, वो भी तुमसे नहीं हुआ, कहीं जाके डूब मरो, तुम्हारी वजह से बीपी बढ़ गई है, अब शुगर लेवल भी बढ़ जाएगा। थू अब गाड़ी में बैठो, निकम्मा कहीं का। बोलो रवि कहाँ पर हो? पुलिस स्टेशन में। अर्जेंटली एम्बुलेंस लेकर मिनिस्टर गेस्ट हाउस पर आओ। कौन है? NRI, बहुत ज्यादा उड़ रहा था। ये देशभक्त भी ना कहाँ कहाँ से घूम के यहाँ मरने आते हैं। ए अच्छा एक बात बताओ, छोटे बाबू ने फोन क्यों किया? मुझे भी फोन किया था, बोल रहा था अर्जेंट बात करनी है। अर्जेंट? ये क्या, इन लोगों ने यहाँ अड्डा जमा लिया? कौन है ये? ये अमीरपुर के टपोरी मवाली हैं, एक नंबर के चोर हैं। इतने पैसे। स्वामी जी आपकी दया से शंकर बाग का केस कोर्ट में सेटल हो गया है, 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 10% 50 लाख आपका, ये आपका कोटा। ये कोटा नहीं है, भेंट है, स्वामी जी को कोटा दे सके इतनी हैसियत नहीं किसी की।
आपकी कृपा भक्तों को समझ नहीं आएगी, सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा। स्वामी जी की जय। इस चोर का पाखंड अभी खत्म करता हूँ। क्या कर लोगे अगर तुम डीएसपी बन जाओगे तो कितना कमाओगे? 50 करोड़। और तू एमएलए अगर फ्यूचर में मिनिस्टर बन गया तो 500 करोड़। उबेर का खजाना दे, हजारों करोड़ देगा। अब तुम लोग इस खजाने का महामंत्री कौन है पता लगाओ। और कौन? वो पगड़ी बांधे हुए गुरुजी ही हैं। तो महामंत्री के साथ मेरी मीटिंग अरेंज करवाओ। आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप ध्यान में थे ना। समय मिले तो मनुष्य को ध्यान लगाना चाहिए, इससे मनुष्य की प्राण वायु बढ़ती है। बोलिए क्या कहना है? स्वामी जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारा ख्याल क्या है, साक्षात विष्णु के अवतार हैं, हमारे लिए उस द्वारिका से इस द्वारिका पधारे हैं। आप कैसे कह सकते हैं? हर चीज का कारण जानना मनुष्य के लिए जरूरी है क्या? ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, इसका कोई कारण है क्या? जीवन के लिए सूर्य की किरणें चाहिए, इसका कोई कारण है क्या? जब भी भगवान को भक्तों की याद आती है वो पधारते हैं और हम लोग उनका आशीर्वाद देते हैं। मैंने कहा था ना, इसकी अकल थोड़ी कम है। हम भी सेवा करना चाहते हैं। अच्छा बताइए। ज्यादा कुछ नहीं, स्वामी जी की तरफ से भक्तों के लिए हम एक ट्रस्ट बनाकर भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। तथास्तु। भगवान ही आप लोगों से ये सब करवा रहे हैं, देर न कीजिए, भगवान को सब पता है। बाबा का आशीर्वाद लेकर शुरू करना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है, अभी चलिए। वकील, राजनीतिज्ञ और पुलिस त्रिमूर्ति की तरह दिख रहे हैं, चलिए। 96, 97, 98। अरे यार, उस बिल्डर ने हमें कितने ज्यादा पैसे दिए थे, लेकिन ये तो मुझे बहुत कम लग रहे हैं। अभी बाकी के पैसे किससे मांगने जाएंगे? ऐसा क्या, सारे पैसे हमें संभाल कर रखने होंगे। हम अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, तो के लिए कोई भी धोखा दे सकता है। ओम कृष्णाय नमः। स्वामी जी, आपका एकांत भंग करने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। नमस्ते स्वामी जी। एक विशेष प्रयोजन था, ये नहीं जानती कि ये सब आपका किया है। ये आपके नाम से ट्रस्ट बनाने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं। ट्रस्ट के लिए? हाँ स्वामी, चैरिटेबल ट्रस्ट बना के आपके और आपके भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। देखिए, सूर्य को टॉर्च की लाइट की जरूरत नहीं है। हाँ? ऐसा क्या है जो स्वामी जी को नहीं पता? इनसे आशीर्वाद दिलाने के लिए आप लोगों को लाया था, अब आप जाइए। जय हो स्वामी जी की। अब कृपा करके जाइए। स्वामी जी अगर ट्रस्ट के पेपर पर साइन कर दें तो ठीक है। दीजिए। कुछ मत करो। शुभ हो, ये ट्रस्ट बहुत जल्दी ऊंचाई पर पहुंचेगा। स्वामी जी आज्ञा दीजिए। आइए। क्या कर रहा है तू? ला, दे दी क्या? पूरी प्रॉपर्टी लिख कर दे दी क्या? वो क्रिमिनल लॉयर है यार, बहुत चालाक आदमी है। ऑटोग्राफ क्यों दिया? थोड़ा टाइम लगाना था ना। अपने पास इतना टाइम नहीं है रे, रात को ही 50 लाख लेकर चले जाएंगे किसी दूसरे ठिकाने पे। अरे जियो मेरे यार, I love you। अपनी लाइफ तो सेट हो गई बाबा। अब हमें कोई नहीं रोक सकता है। तुम्हारे पास ये सेलफोन कहाँ से आया? दुकान से खरीद के लाई। खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? अब जो पैसे वहाँ पर ढूंढ रही है ना, उसी से। मैं यहाँ तुमसे बात कर रही हूँ, पैसे चोरी करके सेलफोन खरीद लिया बेशरम कहीं की। तो और क्या करूँ मैं, डिग्री खत्म होते ही शादी शादी करके मेरे पीछे पड़ गए। एक तो किसी से कुंडली नहीं मिलती, ऊपर से लोग दहेज मांगते हैं। इन सबसे परेशान हो गई हूँ मैं। कुंडली में ये दोष है वो दोष है कह के मंदिर मंदिर घुमा रहे हैं मुझे। मुझसे बोर नहीं होता, इन सबसे बोर हो गई हूँ। अरे बाबा, क्या मचमच चालू है? हमेशा मैं ही मचमच करती हूँ। तुम्हारी बेटी ने क्या किया है पता है? मेरा भाई जो 10,000 रुपए देकर गया था, ये देखिए, चोरी करके सेलफोन लेकर आई। बेटा मुझे बोलना था, मैं लेकर आता। सुनो, छोड़ो ना, भूख लगी है, खाना लगाओ ना। हाँ खाना तो लगाती हूँ, लेकिन तुम दोनों बाप बेटी मेरी बात सुन लो। मैं मेरा एक पैसा छोड़ने वाली नहीं हूँ, वसूल करूँगी। हाँ हेलो जीजू, कहाँ हो? घर पे। आपको बोला था ना कि हमारे अपार्टमेंट में भगवान आए हैं, कृष्णानंद स्वामी। बहुत ही चमत्कारी हैं। अपने शक्ति बाबू बिल्डर है ना, कर्जे में थे वो, स्वामी जी से मिलने के बाद रात ही रात कर्ज से मुक्त होकर बड़े आदमी बन गए। वही क्यों? मुझे शुगर था। बाबा की कृपा से मेरा शुगर भी चला गया।
आप तुरंत खुशबू को लेकर यहाँ पर आ जाइए। एक ही महीने में उसका दोष मिट जाएगा और उसकी शादी हो जाएगी। देख, इस हफ्ते मुझे बहुत काम है, बाद में आता हूँ। चलो आ जाओ तुम दोनों। चल। एक काम करते हैं, वहां चलते हैं, ठीक है? ऋषि, हाँ, किसकी आवाज है? हाँ, आ रहा हूँ, जल्दी खोल। हाँ हाँ, आ गया आ गया। इस वक्त कौन आ गया यार? देर क्यों लगा दी? इसकी तो क्या दीदी, जीजू नहीं आए? उनका हमेशा एक ही जवाब रहता है, बिजी हूँ। एक हफ्ते में आ जाएंगे बोल रहे हैं ना? ठीक है, हमारे भगवान की कृपा है ना, आ जाएंगे। चलिए। अबे क्या कर रहा है, देख लेंगे वो। हो गया क्या, मरवाएगा क्या तू? अब चलना, चलते हैं जल्दी। कहाँ जाना है? अबे पागल हो गया क्या? क्या क्या हुआ यार तुझे? इतने मच्छर काट रहे हैं। अबे तुझे नहीं, उसको पूछ रहा हूँ। पूरी स्टोरी सुनने के बाद दिमाग काम नहीं कर रहा है। अबे जब टाइम पे दारू नहीं मिलती ना तो यही हाल होता है। अबे उसका फ्यूज उड़ गया लड़की देख के। और नहीं तो क्या, अपने नसीब में गरीब होना लिखा है। अबे ओए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अब तू ही बता यार, दिमाग काम नहीं कर रहा, बस दारू ही रास्ता है। दिमाग खराब है तो दारू की जगह जूस पी ले। मुंह से कोई अच्छी बात निकल ही नहीं सकती, सो जा। हमेशा बकवास करता है, सो जा। यहाँ क्या कर रहा है? क्यों बेटा, प्यार का मामला है? गलत है। भाई ये अब तो पहना दिए, जगा दूं क्या? भगवान। ए भाई, इसे मैं अपने याद के लिए रख लूं? इधर लावे। अरे एक तो मेरे याद के लिए छोड़ दे ना। हाथ जोड़ता हूं, दे दे मुझे, बोल रहा हूं। इससे तेरा क्या बिगड़ जाएगा? कान के नीचे ऐसा तो मनो जाके पहना दे बेवकूफ कहीं का। उधर Oh,
स्वामी जी, ये मेरी बेटी खुशबू, इसकी कुंडली में दोष है, शादी नहीं हो रही। अब आप ही कुछ कीजिए ताकि इसकी शादी जल्दी हो जाए। स्वामी जी, स्वामी जी। बेटी, स्वामी जी आपकी बेटी के दोषों पर नजर डाल रहे हैं। इनकी शुभ दृष्टि आपकी बेटी पर जितनी देर पड़ेगी अच्छा होगा। ठीक है चल। अबे मेरी हीरोइन निकल रही है, कुछ करो, उसे रोकना यार। कुछ करता हूँ, सुनिए। हाँ बहन जी, स्वामी जी ने आपको 21 दिन रुकने को कहा है। हाँ? क्यों स्वामी जी? वो इसलिए, 21 दिनों तक सीता जी ने जब शिव जी की प्रार्थना की थी तो उन्हें राम जैसा वर मिला था। बेटी भी 21 दिनों तक स्वामी जी की सेवा करेंगी तो इन्हें भी राम जैसा वर अवश्य मिलेगा। पर इसे करना क्या होगा स्वामी जी? सुबह और शाम को भजन कीर्तन और रात्रि को पूजा अर्चना, यही तो मूल मंत्र है। सारे दोष स्वामी जी की कृपा से दूर हो जाएंगे। आप भी तो कुछ कहिए, स्वामी जी की जय। किसकी पूजा? अरे किसकी क्या पूछ रही है, स्वामी जी की पूजा। पूजा? मुझे तो उसकी नजरें ही ठीक नहीं लगी। 21 days मुझसे नहीं होगा। मेरी बात सुनो, ये सब कैसे हैंडल करना है ये मुझे पता है, समझ गई ना? आंटी, आप इतनी पतली कैसे हो गई? तुम्हारी फ्रेंड जैसी बेटी होना तो जिंदा रहना भी मुश्किल है, लेकिन अब कर भी क्या सकती हूँ। आंटी, आपको पता है हमारी सरकार एक नई स्कीम लेके आई है, और ये स्कीम पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए है। तो इसके लिए हमें दिल्ली जाना होगा और इसकी जानकारी लेनी होगी। आप कहें तो मैं खुशबू को लेके दिल्ली चली जाऊं। दोनों ने मिलकर अच्छा प्लान किया है। तुम लोगों को क्या मैं पागल लगती हूँ जो तुम्हारी बात मान लूं? 21 दिन तक यहाँ रहकर अगर पूजा नहीं की तो तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। हाँ मम्मी, मुझसे नहीं होगा ये सब। ऊपर से वो जो स्वामी है उसकी नजरें ठीक नहीं है। हे भगवान, अरे ये क्या बोल रही है, स्वामी जी पर शक कर रही है? 3 दिन मंदिर में क्या सोई तू, हमें आकर कहती है रात को कोई आकर इस पर गिर गया। मुंह खोलती है तो झूठ बोलती है। अब तुम ही इसे कुछ समझाओ। गलत है बेटा, ऐसी बात मत करो। अब तुम मुझे ही देख लो, शुगर की वजह से मैं कितनी बार हॉस्पिटल गया, स्वामी जी की कृपा से शुगर चला गया। जरा देखो इसे, कोई कितना भी बोले ये बस अपनी जिद पर अड़ी रहती है। देखो तो जरा कैसे घूर रही है, मेरा ही नसीब फूटा है। एक बार हमारी बात मान लो ना बेटा। ये क्या कर रहे हैं मामा जी? स्वामी जी की सेवा में हूँ। स्वामी जी ऐसी टी शर्ट पहनते हैं क्या? इंसान की तरह भगवान भी टी शर्ट कुर्ता कुछ भी पहन सकते हैं और कैसे भी रह सकते हैं। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से, जाओ। उफ़, सब पागल हो गए हैं। भगवान नादान है, कुछ भी बोल देती है, क्षमा कर देना इसे। सिद्धेश बाबा की, सिद्धेश बाबा की, सिद्धेश बाबा की। बाबा का दिया हुआ फूल जिस किसी को पहले मिला है वो यहाँ आकर अपनी तकलीफ बता सकते हैं। बताइए देवी जी, क्या कष्ट है? अभी तक मेरी 3 शादियाँ हुई है, एक भी शादी निभा नहीं पाई। तीनों ने मेरे पैसे देखे स्वामी जी, जिंदगी में हार चुकी हूँ स्वामी जी। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे भी संसार से विरक्ति हो गई। और जो धन तुमने पाप करके कमाए हैं हमें दान कर दो। और हाँ, अगर तुम मेरी एकांत में सेवा करोगी तो सुखी रहोगी। बेडरूम में कहीं CCTV कैमरा तो नहीं है? आप भी ना स्वामी जी। मैं तुम्हें दूंगा एक फल जिससे तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारे सारे कष्टों का हल। आपकी दक्षिणा स्वामी जी। सिद्धेश बाबा की। तो ऐसी की तैसी। कौन है ये? साक्षात भगवान पर ही हाथ उठाया। अरे मारो इसे। मैं आप लोगों का गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आप ही के लिए काम करने वाला आप ही में से एक। मेरा नाम डॉक्टर चैतन्य है और मैं एक नास्तिक हूँ। इस तरह के टुच्चे जादू मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। जिसे आप एक भगवान का ओहदा दे रहे वो एक ढोंगी है। किसी चौराहे पर जादू के खेल दिखाने वाला ये कोई महात्मा नहीं बल्कि 420 है।
मुझे आप जैसे भक्तों से कोई शिकायत नहीं, बल्कि भक्ति की आड़ में आप जैसे भक्तों की आंखों पर पट्टी बांधकर चूना लगाने वाले बाबाओं पर गुस्सा आता है। 6 महीने इस आश्रम में रहकर कुछ भी समझना बाकी नहीं रखा मैंने। 10 साल पहले इसके अकाउंट में 5,000 रुपए भी नहीं थे और आज इसके अकाउंट में 30 करोड़। बैंकॉक में मसाज करवाता है, श्रीलंका में गैम्बलिंग करता है। ये इस राक्षस का कच्चा चिट्ठा, ये आप ही लोगों का पैसा है। ऑफिसर प्लीज कम एंड अरेस्ट हिम। मुश्किल वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है। अपनी मेहनत और बुद्धि का उपयोग कीजिए और हटाइए ऐसे बाबा लोगों को। आप भगवान है ना? तुमसे किसने कहा? सब लोग आपको भगवान बोलते हैं। सब लोग बोल रहे थे जो चाहिए वो आपसे मांग लूं। ईशान, ईशान, ईशान। मम्मी आ रही है, उन्हें मत बताना मैं यहाँ हूँ। ईशान, ईशान। नमस्ते बाबा, मेरे बेटे ईशान को देखा आपने? वो यहाँ नहीं है, वो नीचे गया। हाँ ठीक है, मैं उसे नीचे जाके ढूंढ लूंगी। ओ मम्मी, मम्मी तुम यहाँ कब आई? पापा के ऑफिस जाने का टाइम हुआ है, तू गुड बॉय है ना, चल नीचे चलते। ये सामने बैठे हैं इसलिए प्यार से बोल रही हो, घर जाके तो मुझे डांटोगी, मुझे पता है। नहीं बेटा, बाबा जी को तकलीफ नहीं देते हैं, चलो नीचे चलते हैं। तुम जाओ। आप नीचे जाइए, मैं थोड़ी देर में इसको भेजता हूँ। अब बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जो चाहिए वो आप मुझे दे दोगे? कोशिश करूंगा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मेरी मम्मी और पापा घर से बाहर नहीं जाने देते। ऐसा करो कि मम्मी पापा दोनों मुझे घर से बाहर जाने दें। बस इतना ही? कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ तुम्हें। जब तुम्हारी मम्मी टीवी देख रही हो ना, तब चुपके से यहाँ आ जाए करो तुम। तुम्हें पकड़ लिया। बहुत अच्छी थी ना? सच में उस मूनलाइट में ना तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अच्छा। कृष्णानंद स्वामी की, कृष्णानंद स्वामी की। उठिए उठिए आप लोग, जाइए जाइए आप लोग। क्या कर रहा है, कितना टाइम हो गया? अबे तू क्या कर रहा है? 15 दिन से लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तू इसको कल्टी कर रहा है। तो अब क्या करना है बता? कुछ भी हो आज इससे बात करके रहूंगा। अच्छा ओए जरा सुनिए। हाँ जी आप। हाँ बाबा आपसे कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी आइए। ओहो आप क्यों आ रही हैं? क्या आपको फिर से शादी करनी है क्या? नहीं ना, तो जाइए ना आप। जाना? नेक्स्ट वीक हम लोग कहीं बाहर घूमने चले क्या? क्या रे, बाबा के पास जाता हूँ बोलकर यहाँ क्या कर रहा है वो? नहीं अंकल, we are in love अंकल। अंकल please, I can understand। क्या करूँ क्या करूँ? प्यार वही प्रभु का गाना गाएगा। देखिए कोई ना कोई मिलता है तो प्यार तो हो ही जाता है, मुझे भी हो सकता है। और अगर दो प्यार करने वाले मिल जाते हैं तो उन्हें भगवान भी अलग नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, तो इंसान की क्या हैसियत कि वो दो प्यार करने वालों को अलग करे। हमें तो प्यार को संजोना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए, ये तो पाप है। अगर प्यार का दिया किसी में जल जाए और वो इसे समझने की कोशिश करे तो समझो उसका जीवन सफल। और यही बात कहने के लिए मैं यहां आया हूं। प्यार के विषय में इससे ज्यादा और क्या कहूं, आप लोग खुद ही समझ लीजिए ना। स्वामी जी, प्रेम को पाप समझता था, अगर आज आप प्रेम की परिभाषा नहीं समझाते तो इन दोनों को कभी माफ नहीं करता स्वामी जी। मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके आशीर्वाद से अब इन दोनों की शादी करवा दूंगा। चलता हूँ स्वामी जी।
थोड़ा सा और ले ले। अबे चल हट, खिला खिला के मारना चाहता है क्या मुझे? अबे क्या है ये सब? अबे देखता नहीं पालक की डाल है, जो तूने करतूत किया ना उसे यही मिलेगा, हैदराबादी बिरयानी। अबे खाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपनी हीरोइन की बात कर रहा हूँ यार, बुरा फंस गया हूँ। भाई प्लान कुछ और किया था, बात किसी और से हो गई, इसलिए तो मैटर फंस रहा है। भाई अब देखना क्या होगा। मेरा फोन कहाँ गया? मेरा फोन कहाँ चला गया? क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो? स्वामी जी मेरा फोन गायब हो गया। फोन गायब हो गया? चिंता मत कीजिए, तुम्हारा फोन जहाँ भी होगा स्वामी जी अपनी दिव्य दृष्टि से बता देंगे। स्वामी अब एक्टिंग बंद करो और कमाल दिखाओ। सांवले रंग का आदमी, उसकी जेब में तुम्हारा फोन है। अद्भुत, महाअद्भुत, कमाल हो गया। 15 साल, 8 डिस्ट्रिक्ट, 40 गांव, 172 पुलिस स्टेशन, 272 SIs, CIs, 200 पुलिस वालों ने मिलकर इस चोरी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पता नहीं लगा पाए क्योंकि मैं इतना बड़ा चोर हूँ। लेकिन आपने बिना किसी मुश्किल से इतनी आसानी से मुझे पकड़ लिया, आखिर कौन है आप? मुझे पकड़ने के लिए रंभा, उर्वशी, मेनका, ना जाने कौन कौन आया लेकिन नहीं पकड़ पाया, आखिर कौन है आप बताइए ना मुझे। कृष्ण है। अरे फोन मुझे दे दे। कैसा लगा? मेरा गाना अच्छा था ना? बकवास मत कर, फोन दे। बकवास था तो एक और गाना सुनाऊं? तो एक और गड़बड़ मत कर, फोन देना। याद रखना मेरे होते हुए तुम्हारा ये भेदभाव नहीं चलेगा। पैदा होने से पहले ना कोई बड़ा होता है और ना ही कोई छोटा होता है। धरती में आने से पहले ये भेदभाव क्यों? इस भरी सभा में मैं द्रौपदी का अपमान होने बिल्कुल नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने भी भीष्म पितामह से यही कहा था। अरे मैं यहाँ पर महाभारत सुना रहा हूँ, पीछे पड़े हुआ। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की। अपनी पेमेंट लेने में कल आऊंगा। ये फोन जिसका है आकर ले जाए। स्वामी जी, भाभी जी यही आ रही है, मौका अच्छा है। स्वामी जी 2013 में मेरा स्कूटर चोरी हो गया था, अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए ना वो कहाँ मिलेगा। स्वामी मेरी पत्नी भाग गई है। स्वामी जी मेरा LG टीवी चोरी हो गया है, मेरी बाइक चोरी हो गई, मेरा लैपटॉप चोरी हो गया, मेरा आईफोन चोरी हो गया। ऐसा घटिया प्लान तो है। अरे अरे कार रोको। सुन बेटा मेरे पास आओ, प्रसाद दो। बस बेटा माँ क्या कर रही हो, ट्रैफिक जाम हो रहा है। अरे सिर्फ ट्रैफिक ही जाम है ना। ट्रैफिक की छोड़ी, इससे डेवलपमेंट पर भी तो असर पड़ता है ना। ओहो डेवलपमेंट तो हो रहा है ना, तुझे क्या फिकर करनी है उसकी। अरे सुन अब क्या हुआ माँ? तू इस आदमी को जानता है ना? तेरा कुछ पैसे वैसे का लेन देन है क्या? आपको क्या लगता है उन्हें और कोई काम नहीं है क्या? और वैसे आपको पैसे की क्या जरूरत? अरे सभी को काम है और तुझे तो काम से फुर्सत ही नहीं, काम के लिए तेरी जान ऊपर नीचे होती रहती है। जब देखो पैसा पैसा। अरे तुम गाड़ी चलाओ ना। भाई सीधे जाके बोल दीजिए, कुछ गड़बड़ होगी तो हम लोग देख लेंगे। मैं जा रहा हूँ बात करने। स्वामी जी। अरे अरे क्या कर रही हो? क्या बात है स्वामी जी? स्वामी शब्द सुनते ही मेरे दिल में दर्द हो जाता है। ऐसा क्यों स्वामी? अरे नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक लड़का हूँ, स्वामी थोड़ी ना हूँ। वो तो तुम्हारे चक्कर में रुक गया वरना कल्टी खा लेता कब का। मैंने तुम्हें पहली बार मंदिर में देखा था, तब से मेरा दिल ना जाने क्यों बेचैन सा रहता है। उसके बाद जब तुम्हें यहाँ देखा तब मैं समझ गया कि ये ऊपर वाले का इशारा है, इसलिए मैं यहीं रुक गया सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना मैं तो। हिम्मत कैसे हुई? अरे अभी तुम्हारी कहानी खत्म करती हूँ। चोर होकर बाबा होने का नाटक करते हो? अरे भाभी भाभी सुनिए, भाभी पुलिस को बुलाऊं?
पैर छोड़ो मेरे, हट जाओ। दोस्त को प्यार मिल जाए इसलिए तुम लड़की के पैर पकड़ रहे हो, शर्म नहीं आती? तुम वही हो ना जिसने मेरा फोन चुराया था? अब समझ में आया, तुम लोगों का चोरों का गैंग है। तुम सबको अभी बताती हूँ। रुक जाओ, ये मेरे दोस्त के प्यार का मामला है, कहे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकती। क्या बात पे सुनो तुम्हारी, आज इस बात का फैसला हो के रहेगा। हाँ या ना, जो भी कहना अभी के अभी कह दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। क्या रे, एक तो मेरा फोन चुराया और ऊपर से बकवास कर रहा है। मैं इधर लव की बात कर रहा हूँ, फोन की पड़ी है, ले लो जितना फोन चाहिए उतना ले लो। सैमसंग, इप्पो, वीवो, लिपो, जो भी चाहिए ले लो, जितना फोन चाहिए उतना ले लो। फोन की बात करती है। अच्छा सुनो, तुम लड़कियों को ना जानते नहीं हो, इन लड़कियों को आंखें देती है भगवान दुनिया देखने के लिए। ये लड़कियां मटक मटक के चलती है और शॉपिंग मॉल में खड़ी होकर ऐसे देखती है, और तुम जैसे लड़के समझते हैं कि उन्होंने तुम्हें प्यार से देखा है, और खाना पीना छोड़ देते हो और इनकी यादों में खो जाते हो। और ये क्या करती है, घर पे जाकर सोफे पे आराम से पसर जाती है और टीवी चालू करके म्यूजिक सुनती है। आधी रात को ऐसे लड़कों को स्माइलीज भेजकर चैटिंग करके खुश हो जाती है लड़कियां। खुशबू, खुशबू, स्वामी जी, अरे माँ, ये बाबा या स्वामी नहीं है, सब चोर है, पूरी गैंग है इनकी। इन सब लोगों ने हमें धोखा दिया है। ये क्या, स्वामी जी को भी चोर बना दिया तूने? स्वामी जी, ये तो पूजा से छुटकारा पाने के लिए ये सब बोल रही है, जब भी मुंह खोलेगी झूठ बोलेगी। माँ सच कह रही हूँ मैं। तू चुप कर, सच बोलूँ तो यही चोर है। इसने क्या किया पता है, मेरे कबर्ड में रखे हुए पैसे इसने चोरी किए और उससे सेलफोन ले लिया। अब देखिए, आप सबको चोर बोल रही है। अरे ये सही तो कह रही है, हम लोग चोरी तो है तो फिर हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं? स्वामी जी, आप चाहे कुछ भी कीजिए पर इसे थोड़ी सी अकल दे दीजिए। कैसे समझाऊं? तू चुप कर और चल यहाँ से। चल चल, कह रही हूँ ना। अरे भाई, इससे तो हमें सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। भाई ये तो वही है, बैंक में इसी के तो पैसे चोरी किए थे। आप शुरू हो जाओ, कैरेक्टर में आ जाओ। मुक्ति चैनल के प्रोग्राम है, कुछ तकलीफ है इसलिए बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। ठीक है, आपने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। स्वामी जी के दर्शन करके आपका जीवन सुखमय हो जाए। बाबा जी के बारे में लॉयर रवि जी ने बताया। किसी और के कहने से आप यहाँ नहीं पहुँचे, स्वामी जी का बुलावा आया तभी तो आप यहाँ पहुँचे। प्रणाम बाबा जी, हमें आशीर्वाद दीजिए। सुधा, सुधा, ये क्या हुआ सुधा? आप बिल्कुल मत घबराइए, स्वामी जी बहुत शक्तिशाली हैं, इनकी शक्ति से ही ये चेतनाहीन हो गई। सुधा, यहाँ कोई डॉक्टर है क्या? डॉक्टर, सुधा, कल्याण, सुधा, डॉक्टर, मेरी सुधा को क्या हुआ? She's pregnant. सच में? बाबा जी, बाबा जी, यहाँ आने की वजह से मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई बाबा जी। ये आप ही की महिमा है बाबा जी, ये आप ही के आशीर्वाद से हुआ है। शादी के बाद 10 साल से न जाने मैंने कितने मंदिरों और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए हैं, न जाने कितनी दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ खा चुका हूँ। बाबा जी आप मेरे भगवान हैं, बाबा जी मेरे नहीं आप सबके भगवान हैं। बाबा जी मूर्ख हैं आप लोग, आपके पास दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है आपके पास। ऐसे बाबा जी, कष्ट दूर करने वाले बाबा जी, प्रेग्नेंट बनाने वाले बाबा जी को इन चार दीवारों में कैद करके रखा है। बाबा जी आपकी महिमा सबको पता चलनी चाहिए, पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए। समझ गया, शुक्रवार को, आने वाले शुक्रवार को मुक्ति चैनल पर 5 बजे से 6 बजे तक आपका लाइव टेलीकास्ट मैं अरेंज करूंगा बाबा जी। आपकी महिमा को पूरे राज्य को मैं बताऊंगा बाबा जी। सुबह हो गई, मैं अभी तक सीएम नहीं बना हूं भाई, तुम क्या बोल रहे हो? इतना टाइम नहीं है। हाँ, पहले बुड्ढे को टपकाने का प्लान करो, उसके बाद मुझे फोन करना। हाँ, मैं सब देख लूंगा, कुछ नहीं होगा। हाँ? अपना ही फंटर है, सबको कुछ ना कुछ बनना है, किसी को कॉर्पोरेटर, किसी को मिनिस्टर और किसी को कलेक्टर। ये सब छोड़ो, तुम बताओ। कल स्वामी जी के लिए मैंने एक प्रेस मीटिंग अरेंज करवाई है, आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे क्यों नहीं आऊंगा, पॉलिटिशियन हूँ तो प्रेस मीटिंग में तो आना ही पड़ेगा। जाओ मैं आऊंगा। अच्छा वो सुंदर की जमीन है ना? अरे वही जिस पर हम होटल बनाने वाले हैं, मैंने परमिशन के सारे पेपर बनवा लिए हैं, तुम लेट हो गए। मैं कभी लेट नहीं होता, एक बार मीटिंग खत्म हो जाएगी ना, ऐसे 10 होटल बनेंगे, भरोसा रखो। भरोसा तो है। अच्छा ये बताओ प्रेस मीटिंग कब? कल ही शाम 5 बजे। 5:30 बजे आऊंगा। स्वामी जी के पैर पर। भाई अब ज्यादा रोमांटिक मत हो, कल ही बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, वो लड़की बहुत गुस्से में होगी। अरे जाना। स्वामी, स्वामी, मुझे बचा लीजिए स्वामी। स्वामी अब आप ही मेरी उम्मीद, आप ही मुझे बचा सकते हैं स्वामी। अगर आप सहारा नहीं देंगे तो खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा मेरे पास। कौन है आप? मेरा नाम है प्रकाश स्वामी, कई कई तरह के बिजनेस किए मगर कभी सफलता नहीं मिली।
जिंदगी में मैंने कई ठोकरें खाई हैं, सब लोग छोड़कर चले गए मुझे, मेरे बीवी बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए, जीने के लिए कोई सहारा नहीं बचा, इसलिए आपकी शरण में आया हूं स्वामी, मुझे सहारा दीजिए स्वामी। बेटा प्रकाश कुमार, तुम्हारा नाम सिर्फ प्रकाश है लेकिन तुम्हारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, दुखी मत हो, यहाँ पहुँच पाए इसका मतलब बाबा की कृपा तुम पर है, घबराओ मत, जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए यहाँ सेवा करो, बाबा का आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहेगा। धन्यवाद सर, मेरे लिए इतना ही काफी। छोटे बाबू, गुरुजी, ये पढ़े लिखे लगते हैं, इन्हें ट्रस्ट में कोई काम दीजिए। अवश्य गुरुजी। जाओ बेटा। स्वामी, स्वामी। खुशबू, दूर रहकर ही बात करना मुझसे, तुम्हारे पैर को छूकर लगता है जैसे मेरे पूरे शरीर में कीड़े रेंग रहे हों। छी, ये भी कोई जिंदगी है? एक चोर की तरह जीना, एक ढोंगी स्वामी बनकर जी ही क्यों रहे हो? इससे तो बेहतर है मर जाना। बात सच है कि मैं एक चोर हूं, लेकिन यह भी सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं रही तो ऐसा लगता है जैसे प्यार नाम की चीज ही नहीं है। एक बात तो साफ हो गई कि पैसों से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। जब से तुम्हें मंदिर में देखा है उसके बाद देखने के लिए बेताब हो गया। एक बार तो यहां से पैसे लेकर निकल ही रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं रुक गया। किसी के लिए अपना जीवन बदलना, यही तो प्यार है। क्या ये सच्चा प्यार नहीं है? पता नहीं, पहली बार जब मैंने तुम्हें मंदिर में देखा तब तुम मूर्ति की चोरी कर रहे थे, और यहाँ आकर एक ढोंगी स्वामी का नाटक कर रहे हो। तुम पर कैसे यकीन करूं ये मुझे समझ में नहीं आता। प्यार का मतलब यकीन भी तो है ना? तो तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? ऐसा कुछ जो मुझे सच लगे। सच का मतलब? इतने सबूत काफी है उस कृष्णानंद स्वामी की पोल खोलने के। आप लोग एक काम कीजिए, कल शुक्रवार ठीक 5 बजे उसने एक प्रेस मीटिंग रखी, 4:30 बजे आश्रम के आसपास पुलिस फोर्स लेकर आ जाइए। कल सिर्फ इस बाबा के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि भगवान के नाम पर भक्तों को बेवकूफ बनाने वाले हर बाबा को लपेटेंगे, और उसके बाद ये सारे बाबा लोग बेबी बन जाएंगे, उनकी धोती फाड़ दूंगा। जल्दी चल, हमें प्रेस मीट के लिए जाना है। प्रेस मीट के लिए हमें क्यों जाना? अरे पहली बार स्वामी जी टीवी पर दिखेंगे। मम्मी चल जल्दी। ये मीटिंग कब स्टार्ट होगी? ठीक 5 बजे शुरू होगी, आप आ रहे हैं ना? 10 मिनट लेट आऊंगा, पहले आने पर लोग सोचेंगे इसे कोई काम धंधा नहीं है। सर बोलिए सर। कहो। नीचे हैं सर, अपने सब लोग आ गए। गुड, 10 मिनट में ऊपर आ जाओ। ओके सर। पुलिस आ गई है। अभी आए सर। 5:30 तक धावा बोल दो। ओके सर। उपस्थित सभी भक्तों को, मुक्ति चैनल के ऑडियंस को मेरा नमस्कार। आज का दिन बहुत ही खास है यहाँ की ऑडियंस के लिए, हमारे चैनल के लिए। ये एक यादगार दिन होगा क्योंकि आज हम एक आम इंसान का परिचय नहीं करा रहे, साक्षात भगवान का परिचय कराने जा रहे हैं। आपको इनसे परिचित कराना चैनल के लिए सौभाग्य की बात है। अब
ऐसे देव स्वरूप इंसान को गुरुजी आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। सर्वे जना सुखीनो भवन्तु संभवामि योगे योगे। पाप के अधिक बढ़ जाने से दुष्टों को दंड देने की नीयत से भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार लेना था, परंतु वो अवतरित हुए न मनुष्य रूप में पैदा हुए न देवता की तरह प्रकट हुए, परंतु मनुष्य और भगवान के मध्य एक रूप में श्री कृष्ण स्वामी बनकर उस द्वारिका से इस द्वारिका में आ गए। जय हो कृष्णानंद स्वामी की जय। जय हो कृष्णानंद स्वामी जय। सुनो मैं निकल गया हूँ तो आइए ना। मिनिस्टर भी आ रहा है, सबको एक साथ हथकड़ी पहनाएंगे। ओके सर, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं अपने भगवान के बारे में आपको क्या बताऊं? जब इस शहर में आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज उसकी कृपा से सब है और इसी भगवान की कृपा से आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। अब मैं इस भगवान के बारे में क्या बताऊं, ये तो साक्षात कृष्ण भगवान है। जय हो कृष्णानंद स्वामी की। अब हमारे ट्रस्ट के सदस्य लॉयर रवि बाबू बात करेंगे। हमारे देश की अदालतों में गुनहगारों को सजा दी जाती है, लेकिन आप मुझे बताइए क्या गुनहगार कम होते हैं? नहीं होते ना। इसका मतलब है कि आज के इंसान कोर्ट से मिलने वाली सजा से डरते नहीं हैं। मनुष्यों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें सद्मार्ग दिखाने के लिए ही यहाँ स्वामी जी आए। कृष्णानंद स्वामी जी की जय। दस मिनट में मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तब तक इंतजार करो। पुलिस कहाँ है? नीचे है सर। उनसे कहो जल्दी ऊपर आ जाए। ओके सर। आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं ये देख रहा हूं कि आप सब लोग मुझे भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मैं भगवान नहीं हूं। मैं एक चोर हूं। आई क्या कहा? बाबा खुद को चोर बता रहा है? अबे गाड़ी रोक, ब्रेक लगा। किसी ने मुझे सच कहने को कहा है। और इसलिए मैं सच कह रहा हूं। मेरे जीवन में सिर्फ दो ही सच हैं। पहला सच मेरा प्यार है, और दूसरा मैं एक चोर हूं। नहीं बोला कि हमने धोखा खाया। सीसीटीवी कैमरे से भी पता नहीं चला। गांव के लोगों पर भी अटैक नहीं हुआ। राज्य के लोगों को और प्रेस वालों को बुलाकर सबके सामने बोला कि मैं भगवान नहीं एक चोर हूँ। बाबा ने आखिर ऐसा क्यों कहा होगा? हम आपको पल पल की खबर देते रहे। कुछ दिनों पहले द्वारका अपार्टमेंट में अचानक बाबा के रूप में आया हुआ आदमी अपने आप को चोर कहलाता है। उसने ऐसा क्यों कहा, इसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। चलिए जान लेते हैं उसके मन में क्या है। मेरे जीवन में सिर्फ दो ही सच हैं। पहला सच मेरा प्यार है, और दूसरा मैं एक चोर हूँ। मेरे पति को कुछ नहीं होगा ना डॉक्टर? 24 आवर्स तक कुछ नहीं कह सकते। हाय भगवान, अब मैं क्या करूँ? सुनिए जी, अब मेरा क्या होगा? हे भगवान, बाबा ने तो कहा था कि आप ठीक हो जाओगे। सत्यानाश उस बाबा का। बीपी शुगर सब कुछ आपका बढ़ गया है, मैं क्या करूँ? हे भगवान, उस ढोंगी बाबा का सर्वनाश हो जाए, उसके हाथ पैर टूट जाए। Get lost, waste of hello। लेकिन सर आखिर हुआ क्या है? तुम लोगों ने एक गधे को भगवान बना दिया। चैनल की टीआरपी लुढ़क गई। चेयरमैन साहब की आंखों में खून उतर आया है, वो मुझे गाली दे रहे हैं। मैं वहां गया था तो मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई। वो प्रेग्नेंट तुम्हारी वजह से हुई है, उसकी वजह से नहीं। ये तो सही है सर। चैनल की गुडविल डूब गई। स्पॉन्सर्स ने अपने एड विथड्रॉ कर लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, लेकिन गेट आउट। दारू भी नहीं चढ़ रही है तो और क्या पीऊं? मेरे जीवन में सिर्फ दो ही सच हैं, और दूसरा मैं एक चोर हूँ। अरे मेरे भगवान कृष्ण, ये तूने क्या कर दिया है? ए, मैंने पहले ही कहा था तुझे कि ये लड़कियों के चक्कर में पड़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा। अब देख ले तूने क्या किया है, देख ले खुद।
पहले ये खा लो, कहाँ जाएगा, आ जाएगा घर। उनके भक्तों के बीच मुझे चिंता हो रही है, कहीं वो कुछ कर ना ले। स्वामी कृष्णानंद चोर है ये जान के उनके भक्तों में खलबली मच गई है। उनकी सच्चाई जानने के टीवी बंद करो। हे, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? जब भगवान ने ही मुझे धोखा दे दिया तो इस दुनिया में जीकर मैं क्या करूँगा? आज या तो वो मरेगा या फिर मैं मरूंगा। मैं अपनी जान ले लूंगा। छोड़ो मुझे, नहीं बचूंगा मैं। अरे रुक जाओ, अपने आप को मार दूंगा मैं। रुक जाइए, थोड़ा तो सुनिए। मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, ये गलत है। तुम पागल हो गए हो? जाओ इसे अंदर लेकर जाओ। चलिए। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या रवि, तेरी प्रॉब्लम क्या है? उस दिन तेरे लिए ही निकला था, उस स्वामी ने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। उसके बाद सीएम का फोन आ गया, मैं वहाँ चला गया, तेरे पास आने का टाइम ही नहीं मिला। बोल बात क्या है? अरे मीडिया वालों का मुंह बंद करो। बहुत मुश्किल है, वो मीडिया है और मुझे उसकी जरूरत है। अगर मैंने उंगली की तो मेरे कुर्सी का पहिया निकाल देंगे। लगता है तुम भूल रहे हो, 15 केसेस मैंने लड़कर तुम्हें जिताए तभी तुम मिनिस्टर बने हो। अरे मैंने सोचा था कि तेल मालिश वाली को रखूंगा तो सरदर्द नहीं होगा, लेकिन उसके नखरों से बचने के लिए मैं थाईलैंड चला गया। अब तेरी वजह से एंजॉय करना बंद। वो छोड़िए, बताइए आप क्या करें। मैं क्या बोलूं? अब एक काम कर, तीनों को कुछ दिनों के लिए मीडिया से दूर रख। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा नाम ना आए। संभाल लोगे? ओके। ए, कार निकाल, मैं स्टीम बात लूंगा। हेलो, सिचुएशन क्या है? कल से सेम सिचुएशन है, पर मीडिया वालों को पता चल गया तो सनसनीखेज खबर बना देंगे। वो लोग कहां पर हैं? यहीं पर हैं। एक काम करो, आधे घंटे में एम्बुलेंस वहां पहुंच जाएगी और उसमें स्वामी जी को चढ़ा दो। फिर मीडिया तो क्या, किसी को भी नजर नहीं आएगा। लेकिन जो बोला करना। अरे यार, अब तक तो अपन लोग के पीछे सिर्फ पुलिस वाले पड़े थे, लेकिन अब मीडिया वाले भी पड़ गए। इसकी वजह से पूरा करियर बर्बाद हो गया। गोल्ड ज्वेलरी के यहाँ जब चोरी की थी तब भी इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैं जानता था कि एक ना एक दिन यही होगा, लेकिन इसने कुछ सुना नहीं। अब नतीजा देख। हाँ। नतीजा सोच कर अगर प्यार करना होता है तो मैं प्यार नहीं करता। प्यार? रिपोर्टर सुजीत, ढोंगी बाबा के आश्रम में मीडिया वालों को जाने से रोका जा रहा है और मीडिया वालों से गलत व्यवहार किया जा रहा है। आश्रम में चारों तरफ गुंडे फैले हुए हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। इस कांड में किसी बड़े आदमी का हाथ लग रहा है। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए साक्षी टीवी। अरे स्वामी जी आ गए। स्वामी जी, चोर बाबा कृष्णानंद स्वामी जी के पीछे आपके अलावा और कौन कौन है? क्या ये सच है कि जनता को बेवकूफ बनाया गया है और उनसे पैसे हटे गए हैं? बाबा अपने आप को चोर क्यों बुलाते हैं? क्या इसके पीछे राजनीतिक दबाव है या कोई और वजह है? इस खुलासे के बाद बाबा विदेश भागने वाले हैं ऐसा सुनने में आ रहा है। जनता को बताइए कि क्या आपकी मुलाकात बाबा से हुई है? आप सब जो भी प्रश्न कर रहे हैं उसके उत्तर हैं मेरे पास। अगर आपके पास उत्तर है तो जनता को बताइए कि सच क्या है। न सत्यो सदृश्यो गुरुवो, सच के समान कोई गुरु नहीं है। प्रश्न करना ही आवश्यक नहीं, उनके उत्तर जानना भी आवश्यक है। आइए, ये परीक्षा का समय है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी सीता जी की परीक्षा ली थी। इसका अर्थ यह नहीं कि सीता जी ने कुछ अनर्थ किया था या श्री राम जी ने कोई पाप किया था। यदि हम श्री रामचंद्र जी के दृष्टिकोण से उसे समझने का प्रयास करें तो सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। क्या है ये भ्रम, बताएंगे स्वामी जी? भगवान श्री कृष्ण बचपन में माखन चोरी किया करते थे, तो क्या हम उन्हें चोर कहते हैं? माखन चोर कहके प्यार जताते हैं। भगवान जो भी करते हैं परमार्थ के लिए करते हैं, हम लोग उसका गलत अर्थ लगाकर आलोचना करते हैं। सीता जी की परीक्षा रामचंद्र जी की महानता बताता है। ये सीता जी की पतिव्रता को ही उजागर नहीं करता, ये श्री रामचंद्र जी को समाज में आदर्श के रूप में स्थापित करता है। वैसे ही माखन चोर का अर्थ ये नहीं कि वो सिर्फ माखन ही चुराते थे, यहाँ माखन का अर्थ हृदय है, अर्थात प्रेम का प्रतीक। वो सारी बातें छोड़िए, कृष्णानंद स्वामी ढोंगी है या नहीं वो बताइए। ये मैंने पहले ही बताया, ये परीक्षा का समय है। साल भर पढ़ाई के बाद वर्ष के अंत में परीक्षा क्यों रखी जाती है? ताकि पास होने वाला उच्च वर्ग में जाए और फेल होने वाला उसी वर्ग में दोबारा पढ़ाई करे। उसी तरह स्वामी जी ने भी अपने भक्तों के बीच में असली और नकली को पहचानने के लिए परीक्षा रखी है। भाई, उन चोर भक्तों का पता लगाने के लिए ही स्वामी जी ने ये परीक्षा रखी है। मुझे पता था कि मेरा भगवान मुझे धोखा नहीं देगा। कृष्णानंद स्वामी चोर बाबा नहीं है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि बाबा उनकी परीक्षा ले रहे हैं। क्या वाकई बाबा भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं? चलिए देखते हैं बाबा के बारे में भक्तों के क्या विचार हैं। बाबा, हम अज्ञानियों के लिए आप ही भगवान हैं बाबा। मेरे सुहाग को बचाने वाले आप हो बाबा। थैंक यू सर।
तुम्हारा प्रमोशन लेटर। थैंक यू वेरी मच सर। कांग्रेट्स। थैंक यू ब्रदर्स। थैंक यू सर। मुझे पता है तुम बहुत टैलेंटेड हो। समय समय पर भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, इस बार तुम्हारी थी। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी बेटा। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच सर। चलन स्वामी जी की जय। कुछ ड्रामा लग रहा है सर। वो बोलता चोर है लेकिन लोग मानते नहीं। मीडिया और पब्लिक का खूब टाइम पास हो रहा है। ऐसा लग रहा है ये पब्लिसिटी इंस्टेंट है सर। मतलब भगवान के लिए मार्केटिंग टीम काम कर रही। जब वो कह रहा था कि वो चोर है तो उसकी आंखों की मासूमियत देखकर मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था। वो इतना बड़ा एक्टर है कि उसके सच और झूठ को हम में से कोई भी नहीं पकड़ सकता। एक काम कीजिए, वहां मौजूद लॉयर्स, पुलिस, पॉलिटिशियंस, उन लोगों की बायोडेटा और डिटेल्स मुझे चाहिए। ओके सर। हाँ, एक और बात, उस आश्रम को कौन संभाल रहा है और कब से संभाल रहा है, उसकी पूरी हिस्ट्री मुझे चाहिए। ओके सर। अब उन आश्रम वाले बाबाओं की कुंडली पर ग्रहण लगेगा। क्यों बे, माइक पर क्या बोले जा रहा था? तुम जैसे सड़क छाप को रहने के लिए जगह मिल गई तो ज्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या? अबे सत्यवादी की औलाद, सच कहने के लिए किसने कहा था? अरे बताना कौन था वो? ए, यहीं तेरी कब्र खोद दूंगा, कोई नहीं जान पाएगा। बता वो कौन है? क्या कौन है? जाना चाहते हो ना, तो फिर वो छोटे बाबू से पूछिए। हाँ भैया, मैंने पहले ही कहा था ना कि वो पागल है। अब क्या हो गया सर? उसने कहा तो इसने बोल दिया, अब हम ही मारने आ गए। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम किसकी बात सुने और किसकी नहीं। जो देखो मारने की बात करता रहता है। छी, बेकार में फंस गए। क्या मिला हमें? इससे अच्छा वहाँ चार पैग आराम से मारते मस्ती करते। यहाँ पर क्या है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना सिगरेट पी सकते, ना दारू पी सकते, ना कुछ और कर सकते हैं। एकदम बकवास लाइफ है ये, बकवास। तुझे चार दीवारी के अंदर सब मिलेगा, चल जा। थैंक यू सर। कमरे से बाहर कदम रखने की कोशिश की तो ठीक है सर। भैया वो पागल चाहे जो कुछ भी करे, लेकिन आश्रम फेमस हो गया है। 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, अभी तक तो मैं दुबई में सेटल हो जाता। दिमाग काम ही नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ मैं। एक पैक में ही नशा चढ़ गया। ये उसको कुछ मत बोला, ये हमारा लंगोटी है। अबे चुप कर। क्या बोल रहा है तू? अबे यार इसको समझाना, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, हमें मार डालेंगे। वैसे भी प्रेस में बोलने की क्या जरूरत थी कि हम लोग चोर हैं? इसको बोल के कोई फायदा नहीं है, हम शक्ल से ही चोर लगते हैं। सर पे स्टैंप लगा दूं? एक तरह से तू भी सही बोल रहा है। अबे अब क्या हुआ है? अबे उधर देख। आ गई तुम, मिल गया टाइम। आई भी तो इस टाइम पे आई हो, फूट गया इसका भांडा। देखो अच्छे से देख लो, मिल गई अब शांति तुमको, हो गए हम बर्बाद पूरी तरह से। अब तुमको हमसे और क्या चाहिए? उस दिन क्या कह रही थी कि तू हमको नहीं छोड़ेगी। अरे आना अभी मार, चल मार के दिखा, तू मार के तो दिखा। मार ना मार। मेरे माँ बाप कौन है मुझे नहीं पता, ये तक नहीं जानता कहाँ पैदा हुआ, पर एक चीज जरूर जानता हूँ खुशबू, मुझे तुमसे सच्चा प्यार है। भाई हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, आप पक्का है मेरे बनेंगे। 30 रुपए। हाँ 3000 लो ना, पैसे पेड़ पे उगते हैं ना, कभी 30 रुपए की सूरत देखी है? भैया भैया यहाँ अभी आ गई, यहाँ पर आ गई है। वो क्या बोलेगा, मुझे पता है ना आपके ठिकाने। उमा वो क्या है कि तुम्हारी पार्टी ऑफिस तो चमक रही है। ये पार्टी ऑफिस नहीं है। वो मुझे कुछ नहीं सुनना, शादी के वक्त कहा था पेट्रोल पंप है, जमीन है, दुकानें हैं, उसका क्या हुआ? इसके गले में एक तोले की चेन भी नहीं है। हाथ जोड़ता हूँ, धीरे बोलो, स्वामी जी बैठे हैं, जो भी कहना धीरे बोलो। स्वामी जी, स्वामी जी मुझे माफ कर दीजिए, इस भीड़ को देखकर लगा इनके कोई गैर कानूनी काम है। आप तो भगवान के साक्षात रूप हो, मैंने सोचा शादी के बाद ये मुझसे प्यार करने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके जन्म के बाद प्यार मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ स्वामी जी। मेरे टूटे हुए दिल की उम्मीद को आप ही बनाए रख सकते हो, आपकी वजह से अगर ये सुधरते हैं तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी स्वामी जी। इस कृष्णानंद स्वामी ट्रस्ट में 8 करोड़ जमा है सर, लेकिन अभी तक एक भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है सर।
कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। एक भी ट्रांजैक्शन हुआ तो मोटिव के बारे में पता चल जाएगा। पर प्रूफ के बिना अंदर भी तो नहीं डाल सकते ना। जब अकाउंट ओपन किया था तब का फॉर्म होगा ना आपके पास? है ना सर। जस्ट सीट प्लीज। ग्रेट। नॉमिनी है खुशबू। वैसे ये खुशबू कौन है? ये खुशबू कौन है ये नहीं जानता सर, जल्दबाजी में अकाउंट ओपन किया था इसलिए डिटेल्स नहीं ले पाए। एक मिनट रुको, हिलना मत। ए, क्या कर रहे हो तुम? अपना हाथ हटाओ। क्या कर रहे हो? प्लीज अपना हाथ हटाओ। क्या है? तुम पे प्यार आ रहा है, मैं चाहता हूँ हम हमेशा ऐसे ही रहे। छोटू दीदी कहाँ चली गई? मम्मी आ रही है। खुशबू इस तरफ आ जाओ। खुशबू अरे ये दीदी कहाँ चली गई तेरी? मैंने देखा था हा? दीदी यहीं आई थी। खुशबू खुशबू यहाँ नहीं है, चल यहाँ से चलते हैं। क्या? अपने दिन और रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैसे रहोगे? आज 21 दिन खत्म हो रहे हैं। तो क्या? तो मुझे अपने घर जाना होगा। और तुम चली जाओगी? और क्या। अरे ऐसे कैसे? हेलो भाई, वो लड़का अपने साथ ड्रामा करके आश्रम में कोई लड़की के साथ में आया। कौन है वो लड़की? वो इलेक्ट्रिशियन की बेटी है। उस पर नजर रखना। ए, तुम तो मेरे ही घर आ गए। तो और क्या करता है? तुम वहाँ से चली आई तो तुम्हारे ही घर आना पड़ा ना। ठीक है, क्या है बताओ। एक चीज चाहिए और वो चीज सिर्फ तुम ही दे सकती हो। क्या चाहते हो? तुमने तो मुझ पर जादू कर दिया है, पर मुझे अब डर भी लग रहा है। मेरे हो तुम्हें डर? तुम्हें पहले मेरे सवाल का जवाब देना होगा। चलो पूछो। मुझसे शादी करोगे ना? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कैसे करोगे? कैसे मतलब? ऐसे ढोंगी स्वामी बने रहोगे तो मेरे पापा नहीं मानेंगे। तो बताओ क्या करूँ? मेरे लिए ये सब कुछ छोड़कर एक नॉर्मल इंसान बन जाओ। अगर नहीं बना तो? मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए बदलोगे। अरे यार अब ये क्या नया नाटक है? जब कह रहे थे चलने को तब तो नहीं चला तू, और अब कहाँ जा रहा है तू? अबे यहाँ रहेंगे तो हम सब फंस जाएंगे। खुशबू मुझसे शादी करना चाहती है, मैं चोर चकारी सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। हे, जितने केसेस मैंने लड़े नहीं है उससे कहीं ज्यादा बंद किए हैं। क्या समझता है तू? ये जो तू इतने दिनों से लौंडिया के साथ इश्क कमीना वाला खेल खेल रहा है ना, इसको क्लोज कर दे वरना उसका दी एंड कर दूंगा। अगर उसे जिंदा देखना चाहता है तो भूल जाओ उसे। अरे रे, बस कर यार, क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है? कितना पिएगा? वो जानता नहीं है वो किससे पंगा ले रहा है। सातों रात काम कर दिया नशे में, इसको लेके ना ऊपर में चलते हैं। मुझे खुशबू के पास, मुझे खुशबू। ए छोड़ ना, बात करेंगे ना आराम से। तू सो जा यार। ये सब उस रवि का है ना यार। तू चल, ये सब कुछ मत। अरे तोड़ डालूंगा। अरे अरे रुक, तोड़। नहीं नहीं नहीं, सब तोड़ूंगा। और इसे तोड़। चल तू पहले अपने रूम में चल यार। हमारे इस प्रोग्राम में सहायता मांगने आए हैं कैंसर पेशेंट, जो है एक छोटा सा बच्चा। ये छोटा सा बच्चा जो कैंसर से पीड़ित है, इसके इलाज के लिए पूरे 35 लाख रुपए खर्च होंगे ऐसा डॉक्टर ने कहा है। और इसके पेरेंट्स के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है और ये लोगों से मदद की गुहार कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी इनकी मदद करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर है उस पे कॉल करिए। मेरा फोन कहाँ है? अरे मेरा फोन कहाँ है? अरे क्या कर रहे तू? हेलो, ए कहाँ है वो पाखंडी? बोल गया। अबे तूने उसे अपने बाप का पैसा समझा? नहीं तो क्या, तेरे बाप का पैसा है। चल बे, बहुत हो गया तेरा,
मैं यहाँ खुशबू के लिए रुका हूँ। अगर तुझे मुझसे पैसा चाहिए ना तो मैं जो कर रहा हूँ वो करने दे। ज्यादा उड़ रहा है तू। चुपचाप मेरी बात सुन ले। मैं कोई चोर लफंगा नहीं हूँ, अब मैं भगवान हूँ। भगवान की आज्ञा मानने में भलाई है। मेरी महिमा देखेगा तू? बोलिए माँ जी। स्वामी जी, हम सारे मंदिर घूमे, हॉस्पिटल्स घूमे, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। वक्त पर आपने हमारी मदद की, आप हमारे लिए भगवान हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया। स्वामी, आपने जो पैसे देने को कहे थे वो तो देंगे ना? या स्वामी जी के संकल्प पर प्रश्न मत कीजिए। राम बाण की तरह स्वामी जी की बात भी कभी वापस नहीं लौटने वाली। हे वकील, इधर उधर देखना बंद करो और चेक इशू करो। लो वकील, कानून तो पढ़ लिया लेकिन अपनी संस्कृति को भूल बैठे। ये चेक स्वामी जी के पैरों पर रखो और इनका आशीर्वाद लेकर इन्हीं के हाथों से इन्हें दिलवाओ। मुझे खुशबू चाहिए। पूरे घर में ढूंढो, तलाश करो सबको, चल। अरे अरे, आप लोग कौन है? घर में धंधा करती है। अरे ये क्या है? क्यों बेटी से धंधा करवाते हो? पुलिस कंप्लेन आई है। नहीं सर, आपको गलत खबर मिली है सर। ए, मेरी बेटी को छोड़ो। ए, बेटी पैदा करके उसे आवारा गर्दी करवा रही है। तेरी ये बेटी उस स्वामी के साथ सोने गई थी। ए, मुंह मत करो। हा? उसका हाथ छोड़ो। क्यों गुस्सा आ रहा है? एक दिन मेरे पास ही भेजा इसको सोने के लिए। तू तो स्विच बोर्ड से करंट कनेक्शन देने का काम करता है, पर तेरी बेटी का कनेक्शन डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से हो गया है, ब्लास्ट हो जाएगा। तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि कल सुबह तक ये शहर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो कल न्यूज में ये खबर फैल जाएगी कि एक धंधा करने वाली लड़की ने सुसाइड कर लिया। बाबा, आज मेरा बर्थडे है। बाबा जी, आज ईशान का बर्थडे है, इसके लिए हम पूजा करवाना चाहते हैं। ठीक है माँ, आज शाम को ही हम पूजा प्रारंभ करेंगे। मम्मी, मैं सबको प्रसाद बांटूंगा। हाँ ठीक है। नहीं बेटा। क्यों? अब ये इसे खा नहीं सकता। जिंदा है बाबा, आप सच में भगवान हैं। पैसे भिजवाने से क्या कोई भगवान बन जाता है? वो सब छोड़ो, तुम मुझे भूल जाओ। पागल हो गई हो? मेरी शादी फिक्स हो गई है। ये क्या बकवास है? 10 दिन में मेरी शादी है। अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? बस मुझे जवाब चाहिए। ए, हमने उस स्वामी पर बहुत फ्यूचर प्लान्स किए। कल आकर तुम बोलोगी कि तुमने उसे भुला दिया है। अब तुम ये डिसाइड करोगे तुम्हें अपना प्यार चाहिए या उसकी जान। ये आखिरी वार्निंग है। मेरी जान की फिक्र छोड़ दो, कल वही आकर तुम्हारे पापा से हमारी शादी की बात करेगा। क्या हो रहा है ये सब? मुझे भी नहीं पता सर, बाबा ने अर्जेंट कॉल करके कहा सभी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट करना है। लाइव टेलीकास्ट? अबे तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है क्या? फिर से समझ ले। ये सब किस लिए?
ट्रस्ट के अकाउंट में 8 करोड़ है। तूने धमकी दिया ना, तो फिर सुन, खुशबू के घर जाके उसके पिताजी से माफी मांग और कुछ भी करके मेरी और खुशबू की शादी करवा, सारे पैसे तेरे। तो जिंदा नहीं रहना चाहता? जितना बोलो उतना कर, वरना 1 रुपया भी देख नहीं पाएगा तू। रेडी? हमारे ट्रस्ट ने ये तय किया है कि कृष्णानंद स्वामी ट्रस्ट की तरफ से हम इस राष्ट्र के जितने अनाथ बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, किताबें वगैरह सब कुछ हम देंगे, बिल्कुल मुफ्त। इस संस्था को अनाथों की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ये दिल से करना चाहते हैं। देख रहे हो ना, लाइव टेलीकास्ट है, कुछ भी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कम समय में ही अपने अच्छे कार्य के लिए स्वामी कृष्णानंद लोगों के लिए भगवान बन गए हैं। वो अपने ट्रस्ट के द्वारा लोगों की सहायता करते हैं, जैसे अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी देखभाल करना। ऐसे अच्छे कार्य वो हमारे समाज के लिए कर रहे हैं। लोगों के दान में दिए गए पैसों से बाबा वृद्ध लोगों के लिए मुफ्त दवाइयाँ और जरूरतमंद लोगों को व्हील चेयर भी मुहैया कराएंगे और लोगों को कपड़े भी दान में दिए जाएंगे। भैया, भैया, ए, टीवी देखो। वो अभी तक 4 करोड़ दे चुका है, ऐसे ही रहे तो बाकी के 4 करोड़ भी दे देगा। अरे कुछ तो करो, कुछ तो करो मेरे भाई, कुछ तो करो। उसने मुझे चैलेंज किया है। सड़क छाप कहीं का, आज उसका किस्सा ही खत्म करता हूँ। अब पैसे सिर्फ आएंगे, जाएंगे नहीं। हाँ, छोड़ मुझे, छोड़। सोच लो भैया, वो 2 कौड़ी का गुंडा मुझे चैलेंज करेगा। हट, रुक जा, छोड़। जीएमआर कंपनी का मैनेजर हूँ, आपके ट्रस्ट हमारे एमडी साहब देखते हैं। हमारी संस्था की तरफ से आपको 5 करोड़ रुपए देने के लिए बोले हैं। हेलो, मैं सुजाता इंडस्ट्री का एमडी बोल रहा हूँ, ये कृष्णानंद ट्रस्ट है। आई एम कॉलिंग फ्रॉम शिल्पा एंड शिल्पा कंस्ट्रक्शंस। हेलो, मैं एमटीआर कंपनी से बात कर रहा हूँ, हम दान करना चाहते हैं। मुन्ना, तेरे पागलपन की वजह से ही 200 करोड़ आ गए हैं। अब देखना तकदीर कैसे पलटती है। ए, जानते हो तुमसे, मुझसे और उस भगवान से ज्यादा पावरफुल क्या है? वो है पैसा, और दान से मिले हुए पैसे की तो बात ही कुछ और है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये बाहर ना जाने पाए और ना ही वो लड़की अंदर आने पाए। आने जाने वाले सभी लोगों पर नजर रखो, सीसीटीवी कैमरा हमेशा ऑन रहे। भैया, मिनिस्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं स्वामी जी? आपके दान पुण्य का कार्य तो हमारे सीएम जी ने टीवी पर देख लिया। कृष्णानंद ट्रस्ट के लिए 10 एकड़ की जमीन शमशाबाद में दी है, उसके डॉक्यूमेंट्स इधर ला। उन्होंने कहा मैं ये पेपर आपको खुद दे दूं। ट्रस्ट के निर्माण में जो भी खर्चा आएगा वो सरकार खुद देगी, आप इस पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे तो मैं ये पेपर उन्हें दे दूंगा। जय हो स्वामी जी। रखो। हाँ, चलता हूँ स्वामी जी। क्यों भाई, आप तो ठीक है ना? हाँ, बढ़िया। सीएम मान नहीं रहे थे, मैंने किसी तरह मनाया। एक बात और, अपने एमपी एमएलए ब्लैक मनी यहाँ लेकर आएंगे तो बहुत मुश्किल होगी। हाँ, और सुन, गवर्नमेंट सेक्शन के गोडाउन में डब्बे में पैसे भर भर के रखे हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हाँ।
वो सब ट्रस्ट में जमा कर देते हैं और बाद में 50-50। ठीक है। कुछ भी हो जाए हमें यहां से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि जितना हम रुकेंगे उतने पैसे आते जाएंगे। मुझे खुशबू से बात करनी है। बाहर की सिक्योरिटी देखिए, बॉर्डर पे भी इतनी सिक्योरिटी नहीं होती होगी। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। क्या करें? क्षमा चाहता हूँ, अचानक आया पर बात ही कुछ ऐसी थी। मेरी पत्नी की एक इच्छा है, कल कृष्ण जन्माष्टमी है, मतलब आपका दिन है, ये आपके लिए विशेष पूजा करवाना चाहती है। पूजा के लिए आप मना मत करेगा स्वामी। अभी जस्ट हम भी यही सोच रहे थे कल पूजा के लिए, लेकिन सिर्फ महिलाओं को निमंत्रण देंगे। बाबा का आदेश, बाबा का आशीर्वाद तो चाहिए ना। अबे पागल हो गया क्या? कल खुशबू आएगी। कैसे यार? मुझे फोन करके सारी बातें बता दी। अकेले रहने की आदत हो गई है मुझे, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने बच्चे पे तो ध्यान देना चाहिए, कभी ध्यान नहीं दिया उन्होंने। लेकिन तुम्हें तो एक सच्चा प्यार करने वाला मिला है, उसे खोना नहीं। कल कृष्णाष्टमी है, उससे मिलने का मैंने तुम्हारा सारा इंतजाम कर दिया है। इतना अच्छा लड़का बार बार नहीं मिलता। अपनी लाइफ के बारे में अच्छी तरह से सोच लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये सब क्या है? इसको अपने घर लेकर क्यों आई हो? अगर वकील को मालूम पड़ गया तो दोनों को मार डालेगा। अरे कैसे पापी हैं आप? एक अच्छे पति नहीं, अच्छे पिता तो बनो। तुम किस टाइप के इंसान हो? बड़ों का किया हुआ पाप बच्चों को भुगतना पड़ता है। बीवी से नहीं, कम से कम बच्चे से तो प्यार करो। तुम्हारा पाप हमें भुगतना पड़ता है। इन दो प्यार करने वालों को क्यों अलग कर रहे हो? दो प्यार करने वालों के बारे में सोचना ही क्यों? क्यों ना सोचूं? तुम बच्चे तक के बारे में नहीं सोचते। बिना बाप के जी रहा है मेरा बच्चा, कम से कम इसको पाप का भागीदार तो मत बनाओ। मैं जीवन में हमेशा हारता ही आया, लेकिन तुम्हें हारने नहीं दूंगा। उमा चाहती है कि तुम्हारा प्यार सफल हो जाए। तुम दोनों खुशी से रहो, बाकी मैं संभाल लूंगा। खुशबू चलो। अंकल मैं मानता हूँ कि मैं खुशबू के लायक नहीं हूँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अंकल अंकल घर का मामला यही रहने दीजिए ना, यही बात कर लेते, बाहर जाके तमाशा क्यों करना है? बाहर कोई ना कोई होगा, ये मुझे अच्छे से पता अंकल, है। देखिए ठंडे दिमाग से मेरी बात अंकल प्लीज सुनिए। मेरे बेटे शान को क्या हुआ है? कुछ बोल नहीं रहा है। शान को बचा लीजिए बाबा जी, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी बाबा जी। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कह दिया है कि मेरा बेटा ईशान जिंदा नहीं रहेगा। आप ईशान को बचा लीजिए बाबा जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। ईशान बेटा आगे खोलो। ईशान बाबा, माँ को बोलो नहीं रोए, मुझे कुछ नहीं होगा। बोलो ना बाबा, बोलो। ईशान अपनी आंखें खोलो, मेरी बात सुन लो ना। ईशान तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? ईशान अपनी आंखें खोलो प्लीज, अपनी आंखें। ईशान
अभिषेक। बस बहुत हो गया, अब हम यहां से चले जाएंगे। मैं कौन हूं यही सोच रहे हो ना? धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वालों के नाक में नकेल कसने वाला एक नास्तिक हूं। मेरा नाम चैतन्य, तुम्हारे बारे में तहकीकात करके पता चला कि तुम यहां लोगों को बेवकूफ बनाने नहीं आए, और असल में प्रॉब्लम क्या है पता? जब तुम चले जाओगे तो लोग तुम्हारे नाम की समाधि बनाकर उसका बिजनेस करना शुरू कर देंगे। बस बहुत हो गया सर, अब ये सब ढोंग मुझसे नहीं होगा। बस क्यों नहीं होगा तुमसे? मैं कह रहा हूं ये तुमसे जरूर होगा। लोग तुम पर भरोसा करते हैं, उन सबका दिल जीतना है तुम्हें। इन सब ने मुझ पर भरोसा किया था सर, लेकिन देखिए ईशान मेरे हाथों में दम तोड़ गया। ईशान की मौत की वजह तुम नहीं हो, पर उस कैंसर पेशेंट के जिंदा रहने की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। वो सब मैंने खुशबू के लिए किया था सर। इससे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि प्यार क्या होता है, और ईशान को देखकर मुझे पहली बार खुशी का एहसास हुआ। अगर ये दोनों मेरी जिंदगी में नहीं है ना सर, तो मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। इनसे मिलने से पहले मैं सिर्फ जिंदगी काट रहा था, लेकिन जिंदगी क्या होती है इनसे मिलके पता चला। अगर जिनसे मैं प्यार करता हूं वो मेरी जिंदगी में नहीं है, तो मेरी जिंदगी एक शमशान घाट है सर। देखिए, इसने ये सब कुछ आपकी बेटी की खुशी के लिए किया, और आपकी बेटी भी इससे प्यार करती है। पूछ लीजिए इससे, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दिल बड़ा रखिए और समझिए प्लीज। मेरी बेटी मेरी जान है सर, फिर भी बिना बताए इसके साथ चले जाने के लिए तैयार थी। मतलब ये कितना प्यार करती होगी इसे मैं समझ सकता हूँ। ये कोई मामूली इंसान नहीं है सर, भगवान है। लाखों लोग इससे प्यार करते हैं, उन लोगों को अगर पता चला कि मेरी बेटी इससे प्यार करती है तो इसको भी मार देंगे, और इसको भी मार डालेंगे वो लोग। अब छोड़िए ना सर, अगर ये भगवान नहीं होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। बीस साल के बाद पी रहा हूं। आज से ठीक 20 साल पहले मैंने गीता से वादा किया था, इसलिए पीना छोड़ दिया था, और वही वादा तोड़कर मुझसे दूर चली गई, और वो और उसका अटूट प्यार मेरे दिल में मेरी सांसों में बसा रहा। चीयर्स, चीयर्स टू दोज हु लुक अप टू यू एज गॉड। ये जाम तुम्हें जो भगवान समझते उनके नाम, चीयर्स। गीता हमेशा कहती थी कि प्यार से बढ़के कुछ नहीं, इसमें भगवान बसता है, लेकिन मुझे कोई भरोसा नहीं। नास्तिक हो ना, हर बात में लॉजिक ढूंढता था। उसके जाने के बाद समझ में कि प्यार कोई लॉजिक नहीं, मैजिक। गलती हो गई, मैंने कभी प्यार जताया नहीं, तो गीता समझती कैसे? फिर मैंने देखा तुम्हारी आंखों में वो प्यार खुशबू के लिए, That same old bloody logicless magic called love. इसीलिए कहता हूं कि तुम और गीता ग्रेट हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, फिर भी एक दूसरे को लात मार रहे हो। ये नहीं सोचा कि कौन क्या सोचेगा, बस सच सबके सामने बोलना है कि मैं चोर हूं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम ग्रेट हो। तुम्हें देखकर समझ में आया कि भगवान क्या है। अरे मैं भगवान नहीं हूं सर। अरे पगले, भगवान का मतलब पत्थर, पेड़, फोटो या मूर्ति नहीं है, बल्कि भरोसा और यकीन है। अगर भगवान है तो है, और नहीं है तो नहीं है। करोड़ों लोगों का किया हुआ विश्वास और श्रद्धा, इसी को भगवान कहते हैं। भगवान बसता सिर्फ प्रेम में, और जो प्रेम में पढ़कर किसी से नहीं डरता उसी को भगवान कहते हैं। वही तो भगवान है। मेरी भाषा में अगर समझना चाहो तो कोई अगर किसी की मदद नहीं करता तो वो नास्तिक है, और जिस इंसान के मन में प्रेम और दया है वो आस्तिक है।
चाहे कोई भी धर्म हो, हमें सिर्फ एक ही बात सिखाता है, मन को साफ रखो, हो सके तो चार लोगों की मदद करो, यही है ना। मुझमें किसी की भी मदद करने की हैसियत नहीं है सर, मैं तो पूरी तरह फंस चुका हूँ। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, ईमानदारी से रहने वाला और सच्चाई से लड़ने वाला इस दुनिया में हमेशा फंसता ही। अगर जीवन में संघर्ष नहीं तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। संघर्ष करो, आगे बढ़ो और जिंदगी की जंग जीतो। और अगर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना है, कुछ नहीं करना है, तो जाओ यहां से। जो इंसान ईशान को नहीं बचा पाया वो अब दूसरों को बचाने की सोच रहा है, हाँ या ना बोलो। अब ये तुम पे है कि तुम लोगों की मदद करोगे या नहीं। सभी लोग तुम्हें दिलो जान से चाहते हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इस देश में हजारों ईशान और भी हैं और उन सबकी मदद तुम्हें करनी। मुझे? हाँ तुम्हें, क्योंकि कुछ भी बोलो वो मान लेते हैं, हमेशा इंतजार करते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि कोई ना कोई उनके दुख को दूर करने आएगा, उससे निजात दिला देगा। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं। लोगों ने तुम्हें भगवान मानकर तुम्हारे आश्रम में 200 करोड़ दिए हैं, उन सारे रुपयों को उनके बीच बांट दो। जनता के दिल में तुम्हारे लिए जो भरोसा है उस भरोसे को जिंदा रखो और भगवान से इंसान बनाकर तुमसे तुम्हारे प्यार को मिलवाने का जिम्मा मेरा। सर ये सब क्या है? इसे 3D होलोग्राम कहते हैं। सुनो कैमरा वहां लगाओ और वहां बीच में खड़े रहो। आओ रुको जस्ट अ मिनट। अरे ये क्या है? अरे बाप रे, सर सर ये क्या है? इसकी तो जेरॉक्स कॉपी यहाँ पर आ गई। अरे सर जुड़वा के वरुण धवन जैसा है ये। समथिंग लाइक दैट। इसी टेक्नोलॉजी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इलेक्शन में यूज किया था। कोई अगर वहाँ नहीं है तब भी ऐसा लगेगा कि वो वही मौजूद है, बिल्कुल रियल इमेज। लेकिन इसकी हमें क्या जरूरत है सर? गवर्नमेंट की तरफ से आश्रम के लिए दी गई जमीन पे 24 को भूमि पूजन करने का प्लान किया गया और उस दिन तुम्हारी स्पीच सुनने के लिए हजारों लाखों लोग आए। उसी स्टेज के नीचे मैं एक रूम अरेंज करने वाला हूँ और तुम खड़े रहोगे सिर्फ उसी रूम में और 3D टेक्नोलॉजी द्वारा ट्रस्ट में आए हुए 2,000 करोड़ रुपयों को जनता में दान करके तुम अंतर्धान हो जाओगे। आप क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अंतर्धान मतलब दान नहीं होता, हजारों लोगों के देखते देखते अचानक गायब होना। ये देखो ऐसा। सर वो खुशबू, जनता को जो चाहिए वो तुम करो और तुम्हें जो चाहिए वो मैं करूं। इसमें तुम्हारी स्पीच है, प्रिपेयर करो। यकीन से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता और संकल्प से बढ़कर कोई हिम्मत नहीं होती, और वो दोनों ही तुम्हारे भीतर है। गुड लक। तुमने जमीन मांगी, मैंने दे दी, और भूमि पूजन के लिए जो तुमने तारीख तय की है मैं आ जाऊंगा। और क्या चाहिए, सब कुछ तो दे दिया ना। तुम्हारे आने से पार्टी के कुछ छोटे मोटे नेता भी साथ आएंगे और अगर CM आते हैं तो नेशनल मीडिया इसे कवर करेगी। स्टेट में फेमस होते ही 2,000 करोड़ का बिजनेस, और देश में फेमस हुए तो सोच लो। वो क्या है ना, मैं पहली से आगे पढ़ नहीं पाया, इसलिए तुम ही बता दो। 1,00,000 करोड़ जो तुम्हारी सोच से भी परे है। CM आएंगे सच में? क्यों नहीं आएंगे, मेरे पास 50 MLA का बहुमत है। CM को लाने की जिम्मेदारी मेरी, तुम अपना प्लान बनाओ और मुझे बता दो। तुम CM को लेकर आओ, इंडिया के हर शहर का 5-स्टार होटल हमारा होगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो नेक्स्ट CM तुम। CM आ जाएगा, तुम तैयारी करो। आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूं। मिनिस्टर रघु के स्कैम की फाइल मेरे टेबल पर कई दिनों पहले आई थी। CBI इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है मैंने, बहुत जल्द अंदर जाएगा। सर जस्ट वन थिंग, उस ट्रस्ट में जो क्रिमिनल रवि है उसके बारे में भी सोचिएगा। हर किसी का टाइम आएगा, बट यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। इन पैसों को जनता तक पहुंचाने के लिए तुम्हें मुझसे जो भी मदद चाहिए मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच सर, रियली अप्रिशिएट। सो हाउ इज इट गोइंग, आप कैसे हैं सर? तुम बिल्कुल नहीं बदले हो चैतन्य सर। जब तुम IAS सर्विस में थे तब भी तुम काम की बात पूछने के बाद पर्सनल क्वेश्चन करते थे। वेल इन फैक्ट वो तुम्हारा जॉब छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा था, बट अब तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक्स अगेन सर। एक बात बोलूं सर, अब भी पॉलिटिक्स में आप जैसे लोग हैं यकीन नहीं होता मुझे। तुम्हारी मर्जी, करो ना करो। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। भूमि पूजन कब है? सर इसी 24th को। 24th, गुड, आ जाऊंगा, वहीं सबका अकाउंट सेटल करूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सर, आई टेक योर लीव। ऑल द बेस्ट, सी यू सर। Ah!
ना ही कभी मेरी सोच के बीच में आना और ना ही मेरे सपनों के बीच में। कल तेरे प्लान के मुताबिक वो भगवान बनने वाला है, उसके पहले मैं उसकी अर्थी निकालूंगा। भगवान बनाएगा, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। मैं कृष्णानंद स्वामी यहाँ पर आए हुए सभी भक्तों का अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ। सरकार से मिले 10 करोड़ से यहाँ पर शॉपिंग मॉल बनेगा, यहाँ पर कोई वंचित नहीं रहने वाला, जो इच्छा हो खरीद लो। सॉरी, मैंने जो वादा किया था उसे निभा नहीं पा रहा हूँ, उन्हें प्लान पता चल गया है। भगवान मतलब भरोसा, करेक्ट, और भरोसा मतलब विश्वास। भरोसा। चैतन्य सर का कोई मैसेज आया। मैंने जो वादा किया था उसे निभा नहीं पा रहा हूँ, उन्हें प्लान पता चल गया है, लेकिन तुम्हें जनता के सारे पैसे जनता तक पहुँचा नहीं होंगे, क्योंकि जनता का भरोसा सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। उनके भरोसे को तोड़ना मत। ईशान की मौत की वजह तुम नहीं हो, और उस कैंसर पेशेंट के जिंदा रहने की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इस देश में हजारों ईशान और भी, और उन सब की मदद तुम्हें कर। इस अवसर का पूरा पूरा फायदा उठाओ, इसे खोने मत दो। इस नेक काम को करने का जिम्मा भगवान ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सौंपा है। जनता के दिल में तुम्हारे लिए जो भरोसा है, उस भरोसे को जिंदा रख। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, अगर जिंदा रहना चाहता है तो सामने से हट। जान की परवाह नहीं है, लेकिन इस कमरे से 1 रुपया भी बाहर नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो जनता को जाएगा। पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्ट की 4 दीवारी तक बरसों से मैं ऐसा ही खेल खेलता आ रहा हूं, और तू मुझसे खेल खेलेगा? Ah!
कभी भी इंसान नहीं बन सकोगे। स्वामी ही तुम्हें बन के रहना होगा। रुपए कितने हैं? 2000 करोड़ रुपए सर। 2000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। ऑपोजिशन को दिया तो तुरंत अपने 10 MLA उनकी पार्टी में चले जाएंगे। पैसे वेस्ट ना होने पाए। Nowadays money is everything। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तुम एक काम करो, तू क्या कर रहा है तुझे पता है ना? पता है तभी तो कर रहा हूँ। एक बार फिर से सोच ले, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, कुछ भी हो जाए ये पैसा जनता तक पहुंच कर ही रहेगा। ये क्या कह रहा है तू? आप तो कुछ बोलिए। खुशबू, तुम ये जानती हो कि मैं तुम्हें अपनी जान मानता हूँ, लेकिन आज इम्तिहान की घड़ी है। चैतन्य सर जो काम छोड़ कर गए हैं, अगर मैं वो पूरा नहीं कर पाया तो तुम्हारे सामने आने की मेरी हिम्मत नहीं होगी। हमारा प्यार इस बलिदान से बड़ा नहीं है खुशबू, और आपने सही समझा अंकल, मैं आपका दामाद नहीं बन सकता। शादी के बाद देना चाहता था। धन्यवाद आप सब लोग आए। मैं आप सबकी तरह ही एक इंसान हूं, पर अब तक मैं अपनी जिंदगी जी रहा था एक स्वार्थी इंसान बनके, लेकिन प्यार ने मुझे इंसान बना दिया और आपके विश्वास ने मुझे भगवान बना दिया। आज एक जिम्मेदारी मुझे आपके सामने लेकर आई है। इस प्यार और विश्वास ने मुझे सिखाया है कि माया मंत्र जाप का भगवान से कोई लेना देना नहीं है, पर किसी की मदद करने वाला हम में से कोई इंसान हो सकता है जो भगवान की दिखाई राह पर चलता है, और सच्चा प्यार भगवान ही है। भगवान की राह पर चलना है तो हमें स्वार्थ को छोड़ना ही पड़ेगा। प्यार ने मुझे जिंदगी की एक नई राह दिखाई है, और विश्वास ने मुझे उस जिंदगी का मकसद सिखाया है, और मैंने तो भगवान को देखा भी है। हर छोटा बच्चा भगवान ही होता है, इसलिए छोटे बच्चों के लिए कृष्णानंद ट्रस्ट की तरफ से हम एक अस्पताल बनाने जा रहे हैं। कई मासूम बच्चे अपनी जान खो देते हैं कई बीमारियों की वजह से। आज के बाद किसी मासूम की जान नहीं जाएगी। कोई भी बच्चा बीमारी की वजह से आज के बाद नहीं मरेगा, क्योंकि हर बच्चे में भगवान होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज किसी ने स्वामी कृष्णानंद को गोली मार दी। भक्तों के दिए हुए 2000 करोड़ से स्वामी जी चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाने के प्लान का अनाउंसमेंट करने वाले थे, और उसी दौरान उन पे अटैक हो गया। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। तुम्हें इसने शूट किया था? मैंने ही शूट करवाया, करवाना पड़ा। चैतन्य ने एक वादा किया था कि तुम वो पैसे जनता को दे दोगे तो वो तुम्हें भगवान से इंसान बना देगा। इस मामले में मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी हर तरह से मदद जरूर करूंगा, और मैंने मदद की उसकी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें जो करना था तुमने किया। अब वो ट्रस्ट पैसे सब जनता के हैं, स्वामी से अब तुम इंसान बन चुके हो। चाहो अब तुम अपनी जिंदगी और अपने प्यार का आनंद उठाओ। ऑल द बेस्ट। डॉक्टर जी सर, आप एक काम कीजिए, ओके सर, ओके हो जाएगा जी। सर, 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 सर,
एक सवाल सर, स्वामी जी की तबीयत अब कैसी है? ठीक है, उनकी तबीयत ठीक है? उनकी हालत कैसी है? डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की पर वो कुछ नहीं कर पाए। स्वामी जी अब हमारे बीच नहीं रहे। जाते से ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। जन्मते ही मृत्यु निश्चित हो जाती है। बाबा का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहेगा। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वो दूसरे मनुष्य की हमेशा सहायता करे, ये सिखाकर चले गए बाबा। उनके संदेश को, उनके आशय को हम जनता तक पहुंचाएंगे। ये ट्रस्ट जनता के लिए, उनके उत्थान के लिए। हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि उन पैसों का हमेशा सदुपयोग होता रहे। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। थैंक यू सर। वो क्यों? मैं ये कर दूंगा तो आपने कहा था कि आप मेरे सारे केस खत्म करवा देंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रेस क्लब का सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक किया तो पता चला कि उनके ऊपर गोली इन्होंने चलाई थी। ऐसे में आपका जमीर क्या कहता है? आप कहें तो मैं इनको अरेस्ट करूं। सबूत मिलने के बाद सीएम ही नहीं पीएम बोले तो भी मत छोड़ो, इसे ले जाओ। ओके सर। सर धर्म संस्थापनाएं करना पड़ा, एक अच्छा काम करने के लिए बुरे का इस्तेमाल करना पड़ा। आप जाओ सर। चलो सर। सर लेकिन C-U-M-B-E-R, अरे कुकुम्बर का मतलब क्या होता है? तुझे ये भी नहीं पता तो तू मेरे साथ यूपी कैसे आया? कंगे। कंगी? तो कोम को क्या बोलते हैं? लड़के यूज करे तो कोम हो गया और लड़कियां यूज करे तो कुकुम्बर। कितना बड़ा अनाड़ी है तू, इसलिए इंग्लिश सीख ले, समझा? यहाँ एब्सोल्युटली वर्कआउट। मिठाई लाया हूँ। कितनी देर से बना रहे हो? बच्चों के साथ लगा हुआ है। हमें सबर नहीं है क्या? ठीक है। चैतन्य का किया वादा कि अर्जुन भगवान से नॉर्मल इंसान बन गया। खुशबू शादी करके अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगी। चैतन्य की माँ बेटे की जगह लेकर सबकी देखभाल करने लगी। बिल्डर शक्ति बाबू उसी आश्रम में रहकर जिसको जो चाहिए दे रहे हैं। अर्जुन को सीएम ने वादा किया था वो ट्रस्टी हॉस्पिटल गवर्नमेंट देख रही है। अब बचे हैं कहानी के सूत्रधार गुरुजी। गुरुजी भा, नमस्ते। बोलो बेटा। मैं 3 साल से शिल्पा से प्यार करता हूँ। शिल्पा को क्या हुआ? शिल्पा को कुछ नहीं हुआ, राहुल ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये राहुल कौन है बेटा? शिल्पा से वो प्यार करता है। तुमने कहा था तुम प्यार करते हो। हम दोनों शिल्पा से प्यार करते हैं। तो शिल्पा किससे प्यार करती है? इसी बात का जवाब जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तुम्हारा मन क्या बोलता है ये बताओ बेटा। मन तो बोलता है कि शिल्पा मुझसे प्यार करती है, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है कि शायद वो राहुल से प्यार कर सकती है। तुम्हारा मन जो कहता है वही फॉलो करो। मैं भी आज तक वही करता आया हूँ जो मेरा मन कहता है, कभी फेल नहीं हुआ मैं। बुद्धू हो क्या, मुझे अकेले छोड़ के आ गए यहाँ? मैंने राहुल से कह दिया आगे से मुझे आई लव यू ना कहे, फिल्म देखने चलते हैं। विश्वास कीजिए काम हो जाएगा, सबका शुभ हो।